कोरोना महामारी में जहां एक और लोगों ने मानवता का परिचय देती हुई जरूरतमंदों और असहायों की सेवा की है, हर संभव तन मन धन से मदद की है, तो वही दूसरी ओर कई लोगों द्वारा इस महामारी में अवसर निकालकर कालाबाजारी कर खुलेआम लोगों की जेब काटी है। ऐसी स्थिति में बीच धर्मेंद्र सिंह बेस मित्र मंडल ने सेवा के क्षेत्र में एक और जिम्मा उठाते हुए अपनी माता लीलाबाई बेस की स्मृति में निःशुल्क एम्बुलेंस का शुभारम्भ किया है। एम्बुलेंस का शुभारम्भ विधायक गायत्री राजे पवार एवं जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने हरी झंडी दिखाकर राधागंज स्थित निवास पर किया। बेस ने बताया कि जिन लोगों के पास किसी भी प्रकार का वाहन नहीं है, उन लोगों के पास एम्बुलेंस एक फोन पर उक्त स्थल पर पहुंचेगी। एम्बुलेंस की सेवा विधायक गायत्री राजे पवार के मार्गदर्शन पूर्णतः रूप से निःशुल्क रहेगी। धर्मेंद्र सिंह बेस मित्र मंडल द्वारा कई वर्षों से शव वाहन और पानी का टैंकर भी शहर में चलाया जा रहा है। वर्तमान में स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र में लूटमारी को देखते हुए बेस ने निःशुल्क एम्बुलेंस चलाने का निर्णय लिया। आज हमने एक निःशुल्क जो अंतिम पंक्ति के गरीब आदमियों के लिए एक व्यवस्था की सौगात दी है। इसके पूर्व भी हमने चौहान की भी शुरुआत करी थी। चौहान की शुरुआत उस समय करके देवास में एक भी चौहान नहीं था। उसका पूर्व हमने पानी टैंकर निःशुल्क व्यवस्था कर जो नियंत्रण चल रही है। आज हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था करी। जो बेचारा गरीब आदमी है जिसके पास गाड़ी घोड़े नहीं अस्पताल में जा पाता किसी वक्त, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करी। आप फोन करेंगे गाड़ी उसके घर पहुँचेगी, एम्बुलेंस के माध्यम से एमडी तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमन गायत्री राजे पवार राज माता जी के नेतृत्व में हमारे बड़े ठाकुर राजेंद्र सिंह देश के मार्गदर्शन में सेवा नियंत्रण चलती रहेगी। जनता पार्टी के हमारे मंडल के महामंत्री हैं धर्मेंद्र सिंह जी, और लोक सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। वक्त वक्त पे उन्होंने बहुत सारी तरीके की सेवाएँ दी हैं। एक चौवान दिया था पहले जो अभी भी चलता है, बहुत लोगों की मदद होती है। उसी की कड़ी में उन्होंने अपनी माता जी की स्मृति में एम्बुलेंस लोगों के लिए लोकार्पित की है, और लोगों को जिसको भी ज़रूरत होगी फ़ोन करेंगे। ये एम्बुलेंस उनको ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस है, ये लोगों के सेवा में उन्होंने लोकार्पित की है। उसमें आप हमने जिला अध्यक्ष की और हमने मिलकर एक हरी झंडी दिखाई है। उनकी माता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।